नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। टाइम्स मैगजीन ने भविष्य को आकार देने वाले दुनिया के टॉप 100 उभरते नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में ट्विटर के मुख्य वकील विजया गड्डे, यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और एक भारतीय एक्टिविस्ट समेत भारतीय मूल के 5 व्यक्तियों को जगह मिली है। दरअसल जारी 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में 100 उभरते नेताओं को शामिल किया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। टाइम्स 100 के संपादकीय निदेशक डेन मैकसाई ने कहा, इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने के लिए तैयार है और वास्तव में कई तो पहले से इतिहास बना चुके हैं। आपको बता दें, टाइम्स की इस सूची में भारतीय मूल की अन्य हस्तियों में इंस्टाकार्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्व मेहता, नॉन प्रॉफिट गेट USPPE के डॉक्टर और कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता और नॉन प्रॉफिट अपसॉल्व के संस्थापक रोहन पावलूरी भी शामिल हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इस सूची में शामिल हैं। बता दें कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद और भारतीय मूल के ब्रिटेन में वित्त मंत्री हैं। टाइम्स मैगजीन में ऋषि सुनक के बारे में कहा गया है कि एक साल से कुछ ज्यादा समय तक सुनक ब्रिटिश सरकार में गुमनाम कनिष्ठ मंत्री रहे। पिछले साल 40 साल के सुनक को ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया। वहीं टाइम मैगजीन में 34 साल की अपूर्वा मेहता के बारे में कहा गया है कि कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में इंस्टाकार्ट को बेतहाशा ऑर्डर मिले क्योंकि अमीर लोगों ने सेवा के कर्मियों को अपने लिए राशन खरीदने में मदद करने के मकसद से एक साथ बड़ी संख्या में खरीदारी की। मैगजीन में 46 साल के विजया गड्डे को ट्विटर के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक बताया गया है। मैगजीन में कहा गया है कि ट्विटर पर अब भी गलत जानकारी और उत्पीड़न होता है, जबकि गड्डे का प्रभाव कंपनी को धीरे धीरे उस ओर ले जा रहा है जो कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं बल्कि उसे कईयों के मानव अधिकार में से एक है। टाइम्स मैगजीन ने कहा कि शिखा गुप्ता और उनकी टीम ने ऐसे समय में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाए जब व्हाइट हाउस से नेतृत्व शून्यता थी। मैगजीन ने कहा कि 25 साल की रोहन पावलूरी निशुल्क ऑनलाइन टूल की संस्थापक हैं जो यूजर्स को खुद से दिवालियापन फॉर्म भरने में मदद करती हैं। 34 साल के चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में मैगजीन में कहा गया है कि वो दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं और वो आक्रामक हैं। वो जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा करने के लिए गांवों में जाते हैं। आजाद ने हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में एक अभियान चलाया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।